जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर पंजाब की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, गुरदासपुर कोर्ट में लिफ्ट ऑपरेटर और क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, और वैकेंसी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स, जैसे कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स, इसकी एज लिमिट, इसकी फ़ीस, टोटल क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर पब्लिक नोटिस। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया क्लर्क की जो है टोटल 20 पोस्ट निकाली गई है। और दोस्तों, अगर हम लिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो उसकी 12 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, क्लर्क में जनरल के 10, एससी के 3, बीसी के 2, पीएचसी के 1, ईएसएम जनरल में 1 और ईएसएम बीसी की 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि बैचलर की होगी, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो। और दोस्तों, पंजाबी यूनिवर्सिटी से जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, पंजाबी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए 10वीं के बेसिक पर। दोस्तों, आपकी जो एज है 18 साल से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों लिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपके पास आईटीआई ट्रेड का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लिफ्ट ऑपरेटिंग में होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर अगर लास्ट डेट की बात करते हैं, तो 20 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 20 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं, तो आपका जो टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसके दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। आपके वैकेंसीज दोस्तों कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी है, वो बिल्कुल सही देनी है और वैलिड देने हैं, ताकि डिपार्टमेंट जो है आपसे कॉन्टैक्ट करता रहे। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको सेंड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको रियल नहीं भेजने हैं, केवल इंटरव्यू के दौरान ही आपको रियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कैसे फिल करना है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लर्क का एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि दोस्तों, लिफ्ट ऑपरेटर का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर डाउनलोडिंग की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन पर फॉर्मा को बिल्कुल आसानी से और बगैर किसी पेमेंट के डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फिल करके डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरदासपुर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपनी फोटो लगानी है। आपके फोटो दोस्तों 5 फुट साइज फोटो होनी चाहिए और दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपके पास दो अलग अलग एड्रेस हैं, तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। एड्रेस आपको पूरा डालना है, ताकि अगर आपका एडमिट कार्ड आए, तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद डीओबी और क्वालिफिकेशन। दोस्तों, डीओबी की बात करते हैं, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से लिखनी है और दोस्तों आपके जो 10वीं के सर्टिफिकेट है, उससे आपके डीओबी मैच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप अपनी जो है 10th या 12th आपने जो की है वो लिखेंगे। साथ ही दोस्तों, परसेंटेज भी आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। इसके बाद अगर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। नेशनलिटी में आप सिर्फ इंडियन लिखेंगे। एक्सपीरियंस यानी अगर आपने कहीं पर काम किया है, तो उसकी जानकारी डाल सकते हैं। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। साथ ही दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, यानी आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं 10वीं के 12वीं के, आधार कार्ड, कंप्यूटर के डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, दोस्तों बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। स्पेशल एप्टीट्यूड, यानी अगर आपको कोई और काम से रिलेटेड जानकारी है, तो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक वैलिड मेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होने चाहिए, ताकि जो डिपार्टमेंट
है आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट करता रहे। ये डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी जिस डेट को आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैकेंसी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वो भी एलिजिबल हैं तो वो भी फिल कर सकें। साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले ऐसी ऑफलाइन फॉरम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।